वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 11 में आपका स्वागत है। एक धमाकेदार, एक नया क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर। चेक 301 इज अ पार्ट ऑफ एपी ऑफ 5/11/17/23। क्या 301 है वो इस एपी का हिस्सा है, क्या 301 है वो इस एपी का टर्म है, और टर्म है तो कौन से नंबर का है वो भी आपको इसमें ढूंढने के लिए बोला गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं अभी पता नहीं है कि 301 है वो इस एपी का टर्म है या इस एपी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, वो हमें ढूंढने के लिए बोला गया है। तो आप देखो कभी भी है ना, एन की वैल्यू अगर 2.3, 4.5, 7.9 या सिर्फ पॉइंट में नंबर आएगी तो आपको समझ जाना है कि वो जो टर्म है वो एपी का हिस्सा नहीं है। अगर एन की वैल्यू कोई क्वांटाइज वैल्यू आती है, होल नंबर में आती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होल नंबर में कोई एन की वैल्यू आती है तो वो जो नंबर है वो इस एपी का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल 301 हमें मालूम नहीं है, क्या 301 इस एपी के अंदर शामिल है, और शामिल है तो कौन से नंबर पे आएगा वो हमें ढूंढने के लिए बोला गया है। तो चलो हम मान लेते हैं कि 301 इस एपी का हिस्सा होगा, तो और वो 301 है वो कोई nth नंबर पे, कोई n नंबर पे ये नंबर 301 है वो प्लेस किया गया होगा। तो मैं पहले an इज इक्वल टू 301 को एज्यूम कर लेता हूं कि चलो nth नंबर पे 301 ये सीरीज में पड़ा होगा। ठीक है, तो अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 301। अब हम क्या करेंगे, यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आएगी तो 301 है वो इस एपी का हिस्सा नहीं होगा, और अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर में आ जाता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो n है ये 301 है वो इस एपी का हिस्सा होगा। तो चलिए फिलहाल इस एपी से हम a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी आप देख सकते हो कितना कॉमन डिफरेंस जा रहा है, 5 प्लस 6 करोगे तो 11 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 6, ये 301 हो गया। अब मैं इस 5 को यहां पे प्लेस करता हूं तो n माइनस वन 6 इज इक्वल टू 301 माइनस 5, n माइनस वन 6 इज इक्वल टू 3। अब इसको 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये करीबन जाएगा 296। आई थिंक सो मैं राइट हूं, आप माइनस कर लीजिए, 300 में से 4 निकाल लीजिए तो 296 बच जाएगा। अब n माइनस वन इज इक्वल टू 296 बाय 6 करोगे, n माइनस वन इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 296 बाय 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 6 4 जा 24 लगा लेते हैं हम, 5 6, 6 9 जा 54 होता है, 54 होता है। यहाँ से आपको एक सिम्टम मिल जाएगा, देखो अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये कुछ पॉइंट आएगा समथिंग एक्स वाई एस वाई, तो मान लेते हैं कि 49 पॉइंट, अब आगे चेक करोगे तो 20 लगा लेते हैं, 6 2 जा 12 कर लेते हैं, 6 3 जा 18 कर लेते हैं, तो ये 0.3 आ गया। अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49.3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50.3। अब फिलहाल कभी भी किसी भी एपी के अंदर 15.3 ऐसा कोई टर्म नहीं होता, या हम ऐसा कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट, कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा। हमेशा हमने अभी तक देखा है कि A1, A2, A3 ऐसे वैल्यूज को देखा है, अभी तक मैंने भी आज तक ऐसे ही 15.3 ऐसे पॉइंट वाले n वैल्यूज को नहीं देखा है। इसका मतलब ये होता है, ये इंडिकेट करता है कि 301 है वो इस एपी का हिस्सा नहीं है। n की वैल्यू डेसिमल में आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो गिवन जो नंबर है वो एपी का हिस्सा नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको रिवाइज करा दूं, अगर आपको कुछ पीछे से नंबर ढूंढने के लिए बोला जाए तो आप जो फॉर्मूला लगाते हो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसकी जगह पे आपको an इज इक्वल टू a माइनस n माइनस वन इंटू डी लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं पार्ट 12 के अंदर। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि n की वैल्यू पॉइंट में आती है तो वो नंबर है वो एपी का हिस्सा नहीं है, n की वैल्यू पॉइंट में नहीं इट मीन्स होल नंबर में आती है तो वो नंबर 301 है वो एपी का हिस्सा होता, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। मिलते हैं पार्ट 12 के अंदर, थैंक यू सो मच।